बिहार की जनता इस बात पर यकीन करे कि बिहार पुलिस किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। साजिश का अनुसंधान होता है, साक्ष्य जुटाना पड़ता है। कह रहे हैं जयप्रकाश चौधरी जी, हमको मुकेश पांडे ने, पप्पू पांडे ने एक जगह पर रोक करके और हमको धमकी दी। जिस दिन इस बात का साक्ष्य मिल जाएगा, और साक्ष्य जुटाना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत आसान है, और इसके अलावे भी जो भी साक्ष्य दे सकते हैं दें, निष्पक्ष अनुसंधान होगा। बड़े से बड़े बाहुबली किसी को सरकार ने बचाया क्या? कहां से कहां गए लोग? कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसको जात दल मजहब के चश्मे से कृपया ना देखें। बहुत विनम्र मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। हम लोग बहुत ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बिना सोचे बिना जाने, मैंने बता दिया ना, गिरोहों की वर्चस्व, गिरोह मैंने पाला है, गिरोह मैंने पैदा किया है, मैं किसी गिरोह को रखता हूँ? डीजीपी, आप सोचिए, 35 साल से नौकरी में हूँ ना, एक दिन से थोड़े हूँ। जहां रहा आम जनता का आशीर्वाद रहा, और मेरी औकात तो बस इतनी ही है, आम जनता का आशीर्वाद। मैं 12 करोड़ की जनता का सेवक, उनके चरणों का धूल हूँ, इससे बड़ी औकात मेरी है ही नहीं, बस इतनी ही है मेरी। और कुछ लोग गलत, जैसे संवैधानिक पद पर जो लोग हैं उनको कुछ लोग गलत सूचना दे करके गुमराह कर देते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन उनको गलत सूचना दे करके, रमाश सिंह हत्याकांड, ये राजकुमार हत्याकांड, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, अरुण कुमार सिंह हत्याकांड, अनिल तिवारी हत्याकांड, इसमें सब में पप्पू पांडे को नाम लेकर के, अब ये गलत सूचना जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार आदमी को देते हैं, वो उनके शुभचिंतक नहीं है, उनको सत्यापन इसका करना चाहिए। मैं सिर्फ बता दूं, इसमें किसी भी कांड में विधायक पप्पू पांडे नामजद अभियुक्त नहीं है, कहीं से भी FIR में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कांडों के बारे में, और जो सतीश पांडे की बात कर रहे हैं, तो सतीश पांडे का मैंने आपराधिक इतिहास मंगाया। ये वो सतीश पांडे हैं जो 45 केसों में इनका नाम है। अभी ये वांटेड नहीं है किसी केस में, सब में बेल ले लिए, वो अलग बात है, मुकदमे कोर्ट में अलग बात है। लेकिन ये सतीश पांडे पर 45 केस हैं, और केस चोरी के हैं, डकैती के हैं, आर्म्स के हैं, हत्या के हैं, हत्या के प्रयास करने के हैं, अपहरण के हैं। तो सतीश पांडे अपराधी हैं, और जिस दूसरे माननी की बात करें उनके भी आपराधिक इतिहास है, मुकेश पांडे के भी आपराधिक इतिहास है। तो जो जिसका आपराधिक इतिहास है उसके साथ समझौता करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। अब मेरा क्या है, हम पर भरोसा रखिए, और इस बात का भी भरोसा रखिए कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है, एक एक आदमी को चुन करके निकालिए जो गुंडों का, क्रिमिनल का, और ऐसे अपराधियों का रैकेट चलाता है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का। स्पष्ट खुला हाथ है पुलिस को, हमें काम करने में सहयोग करें। और अंत में जनता से मैं ही कहूँगा कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इतना प्यार न करिए कि लोग जलने लगें। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और मैं बाकी लोगों से कहूँगा, सब लोगों से, कुछ भी लिखने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले, ये ध्यान में रखिए कि काम करने वाले पदाधिकारियों का अगर मनोबल टूटेगा, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा आप सबों को प्रणाम।